राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं निमकी। तो निमकी सभी को पसंद होता है, हल्की फुल्की नाश्ता में और चाय में भी आप खाएंगे तो अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ 500 ग्राम मैदा है मेरा, और देखिए 100 ml के करीब मेरा ऑयल है रिफाइंड, और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी अजवाइन, 1/2 teaspoon है काला जीरा, और यहाँ है नॉर्मल पानी। यदि ठंड के दिन हो तो आप उसका हल्का गर्म पानी ले, अभी गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी से ही अच्छा ही बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले नमक को ऐड करते हैं, उसके बाद अजवाइन और काला जीरा। तो देखिए, तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मैदा में मिक्स कर ली हूँ, और देखिए ऑयल को मैं गर्म नहीं की हूँ। ठंडा का दिन रहता है तो गर्म करने से अच्छा होता है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो मैं गर्म नहीं की हूँ। उसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसे अच्छी तरह से हमें मसलना है ताकि निमकी हमारा खस्ता बनेगा। इस तरह से आप लोगों को हाथों से इस तरह कर, देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें अच्छी तरह से जो ढिक्का बन चुकी है ऑयल से, उसे तोड़ना है और अच्छी तरह से सभी के ऊपर हमें ऑयल को मिक्स करना है, और अच्छी तरह से मिक्स करना है एकदम। इस तरह से लड्डू बन जाने चाहिए अच्छी तरह से, तभी हम इसमें पानी डाल के गूंथेंगे। 5 मिनट तक इसे मिलाना है। आप चाहे तो दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, हाथों को धो लें अच्छी तरह से। अक्सर चाय में कुछ रहते हैं नमकीन चीज़, तो अच्छी लगता है खाने में, चाय पीने में। देखिए, सारे ऑयल को मैं मिक्स कर ली हूँ, और इस तरह से डिक्का भी बनाएगा तो तुरंत ही फूट जाता है, देखिए बिखर जाता है। इसी तरह से हमें करना है। अब इसे हल्के हल्के पानी डाल के हमें तैयार करना है। एक ही बार में आप लोगों को पानी नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके डालना है। एक ही बार में डालेंगे तो गीला हो जाएगा, कहीं कहीं सख्त रहेगा, इसीलिए हल्का हल्का दे के हमें पानी दे के इसे डो तैयार करना है, और ना ही ज़्यादा गीला करना है और ना ही ज़्यादा सख्त, मीडियम में करना है। आप लोगों को दिखाते हैं, मैदा को देखिए अच्छी तरह से इसे हम गूंथ लिए हैं। इस तरह से आप लोगों को भी गूंथना है, और हल्का सा इसमें ऑयल लगा के रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। और अब हम चलते हैं बेलने के लिए, और बेलने के समय हमें थोड़ा सा बर्तन चाहिए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हम लोई तोड़ लिए हैं, अब इसे बेलना शुरू करेंगे। तो हल्का सा लगाएंगे इसमें बर्तन, आटा चाहे मैदा जो भी ले सकते हैं, और इस तरह से इसे पतला बेलने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो चकले को घुमा भी सकते हैं। चकले इतना बड़ा बेल लेते हैं, ऑयल लगाएंगे ना तो ज़्यादा उलट नहीं सकेंगे, और थोड़ा सा बर्तन लगाएंगे तो ये घुमाने में आसानी होगा।
तो देखिए अभी से काटेंगे हम लंबे छोटे बड़े जिस तरह से काटना है। चक्कू की सहायता से उठा लेंगे। देखिए हम निमकी का आकार का काट लिए हैं और आप एक दूसरा तरीका से भी बता रहे हैं। देखिए छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे, ऐसे थोड़ा सा बेल लेंगे और इसे फिर पराठा बनाते हैं उस तरह से, इसे मोड़ देंगे और इसे इस तरह से बेल के आप निमकी बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए सारा को बना लेते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। देखिए फ्रेंड्स हमारा ऑयल हल्का गर्म हो गया है और एक पहले से मैं छोटी सी निमकी दी हूँ अपने ब्रह्म देवता के नाम पे। तो देखिए मैं छोटी मोटी कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, अब इसमें मैं डालूँगी हल्का ऑयल, हल्का गर्म होना चाहिए। इस तरह से जब डालें तभी चलाते रहें तब ये सारी बिखर जाएगी और फूलेगी भी बहुत अच्छी तरह से। अब इसे इस तरह करना है, उलट पुलट के ये छनाएगी। और अब हम गैस की आंच को तेज करेंगे, पहले हमें तेज नहीं करना है। अब इसे हम हल्का सा सुनहरा कलर तक इसे पका लेंगे। देखिए कितना अच्छा फूली फूली हो गई है। देखिए इसका कलर सुनहरा हो गया है। अब इसका निकालने का वक्त हमारा आ चुका है तो अब इसे निकालते हैं और आँच को कर दे कम निकालने के समय। सारे को अच्छी तरह से निकाल लेंगी ताकि कोई जले ना। देखिए निमकी फूली हुई है, अभी गर्म है, ठंडा होने देते हैं तब आप लोग को दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर मैं कुछ अलग तरह से बताई थी उस तरह से बनाई हूँ, अब उसे भी फ्राई करके दिखाते हैं। एक साथ चार पांच भी डाल सकते हैं और आप निमकी डालने के समय ध्यान रहें कि कम ऑयल रहें और ज़्यादा ही आप निमकी काट के ना डालें, नहीं तो उस तरह डालने से आपकी निमकी मतलब फूलेगी नहीं अच्छी तरह से। आंच को हमेशा मीडियम कम रखें। गैस हमारा एकदम कम आंच में है और देख सकते हैं कितना अच्छा से ये पक रहा है धीरे धीरे आँच में। और अधिक आँच में कर देंगे तो ये खस्ता नहीं बनेगा, ये पूरी जैसा नरम हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें दोस्तों। तो देखिए इसका भी निमकी का कलर आ चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा तरह से फूली है, ये भी देख सकते हैं आप, और एकदम खस्ता लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम निमकी को फ्राई करके निकाल लिए हैं। ये छोटी वाली निमकी है और ये बड़ी वाली निमकी है। तो बताइए दोनों में से कौन सा प्यारा लग रहा है, कमेंट पर ज़रूर बताएंगे। और देखिए ये निमकी कैसे बनी है, आपको थोड़ा मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इतनी खस्ता बनी है और ये भी उसी तरह खस्ता बनी है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।